गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दें कि जो युवा शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश TGT और PGT दोनों की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज भी आती थी कि TGT और PGT की वैकेंसीज कब आएंगी, तो वो वैकेंसी आ चुकी है। तो आइए उसकी विज्ञप्ति पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति, जो कि 8 जून 2022 को जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में क्या लिखा देखिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार, अनारक्षित, आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upseessb.org पर जारी करते हुए दिनांक 9/6/2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अर्थात केवल ऑनलाइन प्रक्रिया ही आपको अपनानी है आवेदन करने के लिए। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, तदनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 है, इसके पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज से लेकर 9 जुलाई तक एक महीने का समय है आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन ही होगा। वेबसाइट दिया गया है www.upseessb.org। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है दोनों में, TGT और PGT की। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक अलग से विस्तृत वीडियो मिलेगा TGT और PGT की क्या एलिजिबिलिटी है, शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं, एज लिमिट पर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो अभी इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक अलग से इसके प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो आइए पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखते हैं TGT के लिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए इंग्लिश की 511, हिंदी की 509, गणित की 508, सामाजिक विज्ञान की 337, संस्कृत की 264, शारीरिक शिक्षा की 157, विज्ञान की 499, गृह विज्ञान की 139, कला की 132, वाणिज्य की 38, संगीत गायन की 7, कृषि की 47, जीव विज्ञान की 49, उर्दू की 12, संगीत वादन की 4। इस तरीके से बालक वर्ग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 3213। इसके बाद बालिका वर्ग देखते हैं। बालिका वर्ग में इंग्लिश की 46, हिंदी की 48, गणित की 25, सामाजिक विज्ञान की 46, संस्कृत की 27, शारीरिक शिक्षा की 13, विज्ञान की 41, गृह विज्ञान की 40, कला की 16, संगीत गायन की 16, जीव विज्ञान की 1, उर्दू की 1, संगीत वादन की 6। इस तरीके से 326 पोस्ट हो गई हैं बालिका वर्ग में। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो TGT की आई हैं वो 3539 हैं। अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी पर्याप्त हैं, जितने में सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो प्रिपरेशन आप लोग ऑन रखिए। इसके बाद आइए बात करते हैं PGT की वैकेंसीज कितनी हैं। तो PGT में सबसे पहले देखेंगे नागरिक शास्त्र की 30 सीटें हैं, रसायन विज्ञान की 39, भौतिक विज्ञान की 38, जीव विज्ञान की 47, भूगोल की 51, गणित की 22, इंग्लिश की 62, समाजशास्त्र की 22, अर्थशास्त्र की 54, इतिहास की 14। इसके बाद हिंदी की देखेंगे सबसे ज़्यादा 81, कृषि की 12, शिक्षा शास्त्र की 8, मनोविज्ञान की 7, संस्कृत की 40, कला की 8, वाणिज्य की 14। इस तरीके से बालक वर्ग की टोटल 549 सीटें हैं। इसके बाद देखेंगे बालिका वर्ग, नागरिक शास्त्र की 5, भौतिक विज्ञान की 2, जीव विज्ञान की 3, भूगोल की 1, इंग्लिश की 14, समाजशास्त्र की 2, अर्थशास्त्र की 6, इतिहास की 7, हिंदी की 4, शिक्षा शास्त्र की 2, मनोविज्ञान की 5, संस्कृत की 12, कला और गृह विज्ञान की 6-6 सीटें हैं। इस तरीके से बालिका वर्ग की टोटल 75 सीटें हैं। तो ये थे PGT की वैकेंसीज। इसके बाद दोस्तों, एक TGT और PGT के लिए जैसा कि बता दिया है कि एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।